हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो कृष्णा का कल जो ट्रैक रिलीज हुआ है जूता जापानी, उसी पर रिएक्ट करते हुए जो फैन है उन्होंने क्या कहा हुआ है आप खुद देख सकते हो। कृष्णा भाई विद जापानीज वाइफूज मैन, कृष्णा भाई खेल रहे। आई वांट टू से वन थिंग, ठीक है कि कृष्णा के गाने आते हैं तो लिरिक्स तो लिरिक्स में तो कुछ देखने के लिए है ही नहीं। यू नो कि लाइक इट्स गोना बी ग्रेट, ठीक है, लिरिकली, ठीक है। तो जो चीज़ हमें पता है कि बढ़िया ही होगी, ठीक है, ऊपर नीचे भी नहीं होगा हल्का सा भी, लाइक इट्स गोना बी ग्रेट, तो उसको साइड कर देता है क्योंकि वो तो हमें पहले से पता है, ठीक है। अभी तक गाना मेरे को ऐसा लगा है कि मेरे को इस गाने की पूरी वाइब लेने के लिए ना 3-4 बार और सुनना पड़ेगा, ठीक है, मेरे लिए पर्सनली, ठीक है। 3-4 बार और सुनूंगा तो भाई फिर मैं भी गा रहा हूँ। कोरस अच्छा लगा मेरे को काफ़ी, बट द कॉन्सेप्ट, द वीडियो एंड द बीट, आहा, पता जैसे फील आ रहा है कि ये बाजीगर से इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं। बाजीगर में भी सेम सैम्पलिंग वगैरह करके पुराने गाने का बीट बनाई थी एंड मेरे को वैसी फील आ रही है, विच इज़ गुड, प्रॉब्लम नहीं है। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है करन औजला की तरफ से। तो सबसे पहले तो आज करन औजला का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही करन औजला और डिवाइन का जो कोलैब ट्रैक है 100 मिलियन, वो भी रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपने सुन लिया है तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अब हम बात करने वाले हैं करन औजला वर्सेज राका के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो राका है उन पर काफी एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने करन औजला का जो POV ट्रैक है उसके कॉम्पोजिशन कॉपी किए हुए हैं, और उसके बाद करन औजला ने इनडायरेक्टली इसके बारे में बात भी हुई थी। तो अभी रिसेंटली राका का एक नया ट्रैक आया हुआ है जिसमें कि उन्होंने कहा हुआ है कि करन औजला भी मानक, जो कि ओल्ड पंजाबी सिंगर हैं, उनके कॉम्पोजिशन कॉपी करते हैं। तो करन औजला ने कुछ स्टोरीज डाली हुई हैं, आप देख सकते हो, और करन औजला लाइव भी आए हुए थे और उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ था आप खुद देख सकते हो। यार कि मैंने खावा यार दीदा मेरा नौ दीदा दे मेरा नौ दीदा हर नु भला सो भी हां नौ दीदा दसो मड़ा नौ दीदा आ दे नौ दीदा दसो भी हां बाबे तेरा नौ दीदा फिर मैं दसूंगा मैं की कहना। दीदा ना ये नौ वर्गे भी नहीं है वो, समझदा, नौ वर्गे भी नहीं। ओके पड़ाके पाने मैं हौली हौली देखी तो सही ऐसे गाने चटू बाबे समझ नहीं आनी थोनू पर 9 एक बारी फिर देख लो। साथ ही जो राका है उन्होंने भी एक स्टोरी डाली हुई है। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है पैंथर की तरफ से। तो पैंथर और राका का जो कोलैब ट्रैक आया हुआ है गलत कर्म, उसी के बारे में किसी ने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली हुई थी जिसमें कि उसने बताया हुआ था कि ये ट्रैक कॉपी है। तो उसी को शेयर करते हुए पैंथर ने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पर क्या कहा हुआ है आप खुद सुन सकते हो। और भाई मैं थोड़ा सा वही हो गया, पिनक सा गया हूँ, क्योंकि भाई ना बुरा लगता है एज एन आर्टिस्ट जब आप किसी चीज़ के लिए सैम्पल के लिए पैसा दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, एंड देन समवन कम्स जस्ट फॉर द हाइप, जस्ट फॉर द एंगेजमेंट, क्योंकि आपका गाना पड़ रहा है, ठीक है, बताने की भाई कॉपी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बिना प्रॉपर नॉलेज के। अधूरी नॉलेज, कहते नहीं है कि आधा ज्ञान बहुत बुरा होता है, तो भाई को आधा ज्ञान है और वही लेसन दिखाना है भाई, वही लेसन देना है भाई को कि एंगेजमेंट चाहिए थी ना, लो एंगेजमेंट भाई, लो एंगेजमेंट। ऐसे फॉल्स क्लेम्स करने वालों को ना, जो अधूरी रिसर्च करते हैं, दे नीड टू लर्न अ लेसन। एंड भाई को तो इंगेजमेंट चाहिए, दो इंगेजमेंट भाई, दिल से अपील है भाई, समझ रहे हो, जाओ 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 जीते जाओ। साथ ही पैंथर की जो 21 तारीख को मिक्स टैप आने वाली है उसको राज जोंस ने सुन लिया है और उनको काफी सही लगी। साथ ही बेला का भी एक नया ट्रैक रिलीज हुआ है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।